मॉर्निंग एवरीवन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग बोलते हैं एमपीएस सर्किट एंड लॉ। एम्पियर सर्किट एंड लॉ बिल्कुल उसी लॉ से मैच करता है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। सिमिलरली हमारा एम्पियर सर्किट एंड लॉ है यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी वायर में या किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर अगर एक स्ट्रेट लाइन वायर है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइन्स होंगी वो एक सर्कुलर फॉर्म में होंगी। तो इस मैग्नेटिक लाइन का अगर मैं एक पार्ट ले लेता हूँ तो इस पार्ट को आप बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लाइन इन सपोज दैट इस डायरेक्शन में यहाँ पे डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो ये है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स बी डॉट जो यहाँ पर है लाइन इंटीग्रल बी है। और इस लाइन इंटीग्रल को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इस छोटे से पार्ट पे अगर हम लेंथ ले लें तो dl, तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट dl ये इसका लाइन इंटीग्रल हुआ इतने इस पार्ट के लिए। इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन फॉर्म है उसे आप बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिस। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम ऑफ द करंट थ्रेटेंड थ्रू दिस लूप। इस पूरे एरिया के अंदर केवल एक ही करंट हमारी थ्रेटेंड आउट हो रही है तो इस करंट आई का म्यू नॉट टाइम। तो ये हमारा एम्पियर सर्किट एंड लॉ होता है। इस लॉ का यूज अभी हम लोग डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में ले लें एक सॉलेनॉइड है सॉलेनॉइड आप जानते हैं क्या होती है एक सिलेंड्रिकल इंसुलेटर बेस पे आप कंडक्टिंग वायर्स अगर आप रोल कर देते हैं इस टाइप में यहाँ पे करंट आपकी फ्लो हो रही है आई नंबर ऑफ करंट्स नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ हमने ये सपोज कर लिया नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ हमारे n है और द टोटल लेंथ ऑफ द सॉलेनॉइड ये हमने सपोज कर ली है l है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे हो गए n इंटू l। करंट इन ईच टर्न ये हमारी आई थी। ठीक है, अब हम लोग इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक एम्पियर सर्किट एंड लॉ का यूज करना है। सबसे पहले इस फिगर को जरा ध्यान से देखें। अगर मैं ये कोर ले लेता हूँ जो ये हमारी मिडिल वाली कोर है इसमें से आप ध्यान से देखिए करंट हमारी इस तरीके से आ रही है तो यहाँ से बैक साइड से करंट बाहर निकल रही है और जब करंट आउटवर्ड आती है तो उसे डॉट से शो करते हैं। तो ऊपर से करंट आउटवर्ड आ रही है ये करंट की डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है और करंट ऐसे रोल करके नीचे से इनवर्ट जाएगी अंदर जा रही है तो यहाँ से करंट की डायरेक्शन इनवर्ट हो गई। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कवर किया है सपोज दैट ये मैंने एक ए बी सी डी ये मैंने एक एम्पियर सर्किट एंड लॉ की जैसे एक लूप मैंने कंसीडर किया हुआ है। तो ये आपकी सॉलेनॉइड की एक्सिस है ये एक्सिस के बाहर है यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है मैं चार पाथ ले रहा हूँ ए बी बी टू सी सी टू डी बी टू ई बी टू ए वापस। तो अगर आप एम्पियर सर्किट एंड लॉ यूज करते हैं ए टू बी पाथ के लिए ए टू बी पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल
इज इक्वल टू, ये ए टू बी पाथ के लिए हो गया, सिमिलरली बी टू सी पाथ के लिए आप जाते हैं डी डॉट डी एल, सिमिलरली सी टू डी एंड लास्ट डी टू वापस आपका ए। तो इन चारों पार्ट के लिए अगर आप लाइन इंटीग्रल पहले फाइंड करेंगे, तो पहले ए टू बी में देखते हैं। तो ए टू बी में बी और डी एल दोनों के बिटवीन का एंगल आपका जीरो हो गया, तो बी डॉट डी एल अगर आप फाइंड करते हैं तो वो बी डी एल ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बिटवीन का एंगल जीरो है। अब बी टू सी में आते हैं, तो बी टू सी में डी एल देखिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, और आई की वैल्यू को अगर आप देखते हैं बी डॉट डी एल बी की वैल्यू पे देखते हैं, तो बी और डी एल के बिटवीन का एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 की वैल्यू आपकी होगी 0 डिग्री। आपका हो गया जीरो। सिमिलरली सी टू डी, सी टू डी देखिए सोलेनॉइड के एक्सिस के बाहर की तरफ अगर आप आते हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बड़ा वीक होने लगता है, तो सी टू डी एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपकी जीरो हो गई, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो यहाँ पे भी आपका जीरो हो जाएगा। और वापस अगर आप डी टू ए आएंगे तो अगेन एंगल आपका फिर से 90 डिग्री हो गया, तो ये जीरो। तो हमारा जो लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकली वो निकली बी डॉट डी एल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ को अभी उन्होंने डिस्कस पहले करा हुआ है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं कि बी डॉट डी एल की वैल्यू बी नॉट आई की इक्वल होती है। यहां पर अगर हम लोग इस पार्ट ए बी की लेंथ की बात करें, तो सपोज कर लिया आपने ये लेंथ हमने एक्स ले ली है, तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो b तो आपका आउटसाइड आ गया और dl का इंटीग्रेशन हो गया आपका x, ठीक है। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए जो लाइन इंटीग्रल आपका b इंटू एक्स निकला, इसकी वैल्यू बी नॉट इंटू आई, आई क्या होगी करंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट की लेंथ x है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ n हो गए, तो x लेंथ में कितने टर्न होंगे, अगर ये x लेंथ पे टर्न देते हैं तो x लेंथ में टर्म की वैल्यू हो जाएगी आपकी nx, और वन टर्म से कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट, वन टर्म से आई करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे टोटल nx टर्न हो गए, तो टोटल करंट हमारी हो गई nx i। तो यहाँ जहाँ i लिखा हुआ है, इस i को आप बेसिकली बोल सकते हैं ये i आपकी क्या है, टोटल करंट थ्रेड एंड आउट, टोटल करंट। तो इस टोटल करंट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई की जगह एन एक्स आई, और ये बी इंटू एक्स, तो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की एक्सिस पे, अगर यही चीज आप सोलेनॉइड के कॉर्नर पे आते हैं तो एट कॉर्नर बी की वैल्यू का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 म्यू नॉट एन आई। इस पार्ट का डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।